जी नहीं, सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी दे अधीन वैसे चेकिंग्स होंदिया रहिंदियां ने बसेस दियां, बट हाँ अज एक स्पैशल ड्राइव असी कंडक्ट कीती सी। देखो मानयोग SDM साहब ने जिहड़ा हैगा ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ, ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹਲਚਲ, ਮੈਂ ਸੰਜਨਾ ਚੋਪੜਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀ ਖਬਰੋਂ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। सुरक्षित स्कूल वाहन मुहिम के तहत आज SDM नंगल अनमजोत कौर के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाते हुए एक दर्जन बसों के चालान काटे, जबकि 5 बसों को थाने में बंद किया गया, जिसकी पुष्टि खुद SDM नंगल अनमजोत कौर और ट्रैफिक पुलिस के ASI महेंद्र सिंह ने की। सुबह से ही SDM अनमजोत कौर ने पूरी टीम को साथ लेकर बसों की चेकिंग करना शुरू कर दिया था और इसी दौरान जिन बसों में स्पीड गवर्नर, कैमरे, फर्स्ट एड बॉक्स और स्कूल वाहनों पर स्कूल के नाम नहीं लिखे थे अथवा जिन स्कूल वाहन चालकों के पास गाड़ी के कागजात और लाइसेंस नहीं थे, उन 12 वाहनों के चालान किए गए और 5 बसों को थाने में बंद किया गया। इस बारे में और जानकारी देते SDM अनमजोत कौर ने कहा कि सुरक्षित स्कूल वाहन मुहिम के तहत अक्सर इस तरह की चेकिंग चलती रहती है और आज भी विभिन्न स्कूलों की 40 बसों की चेकिंग की गई, जिसमें काफी चालान किए गए और अधिकतर कमियों वाली 5 बसों को थाने में बंद किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर, कैमरा, फर्स्ट एड बॉक्स, महिला परिचालक, गाड़ी पर स्कूल का नाम होना, चालक और परिचालक की वर्दी होना, नशा ना करते होना, चालक का लाइसेंस और अन्य जरूरी कागजात होना बहुत जरूरी है और अगर स्कूल बसों के चालक और मालिक आगे से प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो यह सब सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रेस के माध्यम से अभिभावकों को भी स्कूली बसों में भेजने की अपील की जिन बसों को स्कूल से मान्यता प्राप्त हुई हो। और क्या कहा SDM अनमजोत कौर ने, आप खुद ही सुने। मैडम आज विशेष मुहिम जी नहीं, सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी दे अधीन वैसे चेकिंग्स होंदिया रहिंदियां ने बसेस दियां, बट हाँ आज एक स्पेशल ड्राइव असी कंडक्ट कीती सी। अराउंड 40 दे असी बसेस जो है नंगल दे विच स्कूल बसेस चेक कीतियां ने, स्कूल्स नू अवेयर भी कीता जिथे जिथे कमी लगी है ते डिसिप्लिनरी एक्शंस भी लए गए ने, चलान असी किते ने फिलहाल कर रहे हैं, सो एग्जैक्ट नंबर नहीं दे पावांगे। जिथे ज़्यादा मेजर डेफिशेंसी सी उत्थे असी बसेस नू इंपाउंड भी किया है, पर इस सारे कासे दे विच मैं स्कूल प्रशासन, एजुकेशन डिपार्टमेंट दे नाल नाल पेरेंट्स नू भी ये बेनती करना चाहांगी कि तुसी सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी दी कुछ मेजर गाइडलाइंस ने वो जरूर इंश्योर करो कि तुहाडे बच्चे जिन्ना बसा दे विच तुसी स्कूल भेज रहे हो वो सेफ होन, ताकि किसी तरीके की दुर्घटना तो असी बच सकीए। छोटिया मोटिया गल्लां ने बसेस दे विच ड्राइवर तो इलावा कंडक्टर ते लेडी अटेंडेंट्स का होना जरूरी है जेकर बच्चियां ट्रैवल कर रही ने। इस तो इलावा बस च फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद होवे, फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद होने जरूरी ने, बस दी विच स्पीड गवर्नर लगे होने जरूरी ने, क्योंकि स्कूल बसा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तो उपर नहीं जा सकदियां। स्कूल का नाम प्रॉपरली डिस्प्लेड होवे ते नंबर डिस्प्लेड होवे, ड्राइवर जिहड़ा है नशा ना करदा होवे। थोड़ी जी चेक करन वाली गल है, जदों भी तुहाडे ध्यान च अजिहा मसला आउंदा है कि ड्राइवर की मानसिक हालत ठीक नहीं है या तबीयत ठीक नहीं है या नशा किया होया, तुसीं इमीजिएटली प्रिंसीपल या प्रशासन के ध्यान च लैके आओ ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना तो बचा जा सके। काफ़ी वखरे तरीके की कमियां सी, कि ड्राइवर्स के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं पाए गए, गड्डिया के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं सन, मॉडिफाइड गड्डिया सन या होर भी मेजर ऊंटाइयां सीगियां उन्हां दे विच। अज जी असी एक SS के RVM स्कूल की है बस, वो इंपाउंड की है। इतने असी अज सेंट सोल्जर स्कूल दे विच भी असी किते हैं माड़े मोटे चेक्स, तो इधर असी DAV BBMB भी आए हुए हैं। इतने भी काफ़ी प्राइवेट वाहन सानू इंपरसोनेट करते नज़र आए स्कूल बसिस वजों, जिड़ी कि बहुत वीडी एक लकूना है, सो उन्होंने भी असी इमीजिएटली इंपाउंड कर लिया। फिलहाल गिनती नहीं है किन्ने रिपोर्ट की थे, किन्ने चलान की थी, हले बाद मैंने थोड़ा जहा टाइम दो जी, मतलब अराउंड 5 to 10 तुसी कह सकते हो, 5 तो दे अराउंड इंपाउंडिंग हुई है ते चलानिंग 10-15 दे अराउंड पूरी। इस मौके पर क्या कहा ट्रैफिक पुलिस के ASI
महिंदर सिंह ने जे भी सुने। महिंदर जी, अभी एस डी एम साहब नाल आके बसों की चैकिंग कर रहे हो, स्कूल की बसा की? देखो, मानयोग एस डी एम साहब ने जिहड़ा हैगा ओ इस गल का बड़ा नोटिस लिया कि जी हम महेंद्रगढ़ के काफ़ी दुर्घटना वापरी है, वो रिगार्डिंग सारे डिस्ट्रिक्ट स्कूल बसिस वगैरह में प्रोपरली चैक किया जा रहा, तो जिदे तहत साढ़े नाल एस डी एम साहब सीगे मैडम जी, जिन्हां ने मैं तीन स्कूलों की फिलहाल थोरोली चैकिंग करी है बसों की, जिदे के कुछ बसों के प्रोपर डाकूमेंट नहीं सके जिन्होंने बाउंड किया गया, तो कुछ ड्राइवर्स वगैरह जिन्हों के कोल लाइसेंस नहीं सके उन्होंने चलान किए, तो कुछ पोल्यूशन वगैरह जिवें फस्ट एड किटा नहीं सगिया, फायर किटा नहीं सगिया, जिन्हों का कुल मिला के 12 टोटल 13 चलान किए हैं, जिद्द 5-6 बसा बाउंड। ये मुहिम लगातार चलूगी, डे बाई डे चलूगी, और फिलहाल अज जो तीन स्कूल देखो बच्चे का दोष तो कोई है नहीं, पर लेकिन यह जो मैनेजमेंट है दूसरी स्कूल की मैनेजमेंट है इन्हों प्रोपर आप चैक करने चाहिए है भी साढ़े की गुणताइया पा रही जा रही ने, बच्चों का ना पेरेंट्स का कोई कसूर है, पर वट ये भी तो है ना, उन्होंने सेफ रखना साड़ी भी जिम्मेवारी बन रही ना। प्रशासन देखो स्कूल के खिलाफ कार्रवाई तो यह है ना, जो हूँ मिशन शुरू होया चलिया है, ये डे बाई डे चलान हो गए, तो जोड़ा है प्रशासन स्कूल का मैनेजमेंट है उन्होंने इस बारे असं रिस्पोंस करा भी, उन्होंने रिस्पोंसीबिलिटी बनती है कि वो अपनी रिस्पोंसीबिलिटी तो भजन ना। क्या कहा बीबीएमपी डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल राजेश कुमार ने, आप खुद ही सुने। सर, सरकार की मुहिम है सेफ स्कूल वाहन, क्यों सर ऐसी कमियां रही थोड़े स्कूल मैनेजमेंट तो कि तुम स्कूलों चैक नहीं कर बसों चैक नहीं करते? देखिए, स्कूल सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी जो है वो एक बहुत ही शानदार पॉलिसी है जो कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, और हम भी समय समय पर इन सभी, क्योंकि ये वाहन विद्यालय के नहीं हैं इसलिए चूक हमारी नहीं है, हमने पेरेंट्स को भी और इन बस चालकों को भी समय समय पर सूचित किया था कि आपकी बस चीज़ नहीं है, इसके कागज़ जमा कराइए, और हमने इनको वार्निंग लेटर भी इशू किया था कि हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ना तो हमारा इनसे कोई एग्रीमेंट है ना ही ये हमारे द्वारा लगाई गई हैं, इन सब का प्रबंधन पेरेंट्स अपने आप कर रहे हैं, और हमने उनको भी बार बार समझाया, लेकिन बार बार समझाने के बावजूद जब वो तैयार नहीं थे तो फिर आज हमने प्रशासन की मदद से ये कार्रवाई करवाई है। तो जी, आपने खुद शिकायत की हुई है? नहीं, शिकायत नहीं की हुई, ये तो मुहिम है, पूरे देश में चल रही है और ये हो रहा है। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे थे इजाजत, आप देखते रहे सिटी हलचल, धन्यवाद। सैनी इलेक्ट्रॉनिक नंगल श्री अनंतपुर साहिब मुख्य मार्ग गांव ब्रह्मपुर, यहां आपको मिलेंगे एलजी और सैमसंग कंपनी के फ्रिज, एलसीडी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा सलीप बेल के गद्दे और क्रॉकरी का सामान भी, वह भी नए नए डिजाइनों और बाजार से सस्ते दाम पर, तो देर किस बात की है, जल्द पहुँचे सैनी इलेक्ट्रॉनिक गाँव ब्रह्मपुर। हमारा फोन नंबर है 9876972127। चोपड़ा सिलाई मशीन एंड कॉस्मेटिक अड्डा मार्केट नंगल, यहां आपको मिलेगा कॉस्मेटिक का हर वो सामान जो ब्यूटी पार्लर, सैलून व महिलाओं के प्रतिदिन प्रयोग में आता है। यही नहीं, इसके अलावा सैलून की कुर्सियां, सोफा, दुल्हनों के लिए फैंसी चूड़ा, नेल आर्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरी व सेंट इत्यादि बाजार से सस्ते व थोक दाम पर मिलते हैं। एक बार जरूर सेवा का मौका दें। हमारा फोन नंबर है 9815482433, दूसरा 9878888858। क्या आप नजर अथवा धूप से बचने वाले चश्मे लगवाने की सोच रहे हैं, वो भी ब्रांडेड और बाजार से सस्ते दामों पर, तो सोच क्या रहे हैं, जल्द पहुंचे वशिष्ठ ऑप्टिकल नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग आजौली मोड़। यहां आपकी नजर ऑटोमेटिक मशीनों से जांच करने के उपरांत आपके चेहरे के हिसाब से चश्मा लगाया जाता है, वो भी चंद मिनटों में, और हाँ, नजर चेक करने की कोई फीस भी वसूल नहीं की जाती। हमारा फोन नंबर है 9915584190, तो जरूर एक बार सेवा का मौका दें। स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर जन्नत रेस्टोरेंट नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग, एक बार सेवा का मौका जरूर दें।
टाडा रोड संतोषगढ़ जिला ऊना में खुल गया है गणपति जिम एंड गणपति एंटरप्राइजेस, जहां आपको मिलेंगे फूड बो प्रोटीन सप्लीमेंट, वो भी बाजार से काफी कम और थोक रेट पर। हमारे यहां बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को तैयार भी किया जाता है, तो जल्द पहुंचे गणपति जिम एंड गणपति एंटरप्राइजेस। हमारा फोन नंबर 8523000037, 9816980537, 85230037, 98169080537।